You were fine all this time, I was inside out. Put my heart in your hands till it came back. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डायमंड हिट गेमिंग। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपनी मॉन्टेज में स्काई ग्लो इफेक्ट को कैसे ऐड कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप 20 से स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना काइन मास्टर ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम अपना एक वीडियो 16:9 हम ले लेने के बाद हमें अपना पहले एक वीडियो क्लिप लेना है। वीडियो क्लिप लेने के बाद अब आपको क्या करना है, वीडियो के आपको ऊपर टच करना है। वीडियो पर टच करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आपको एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है। एडजस्टमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कॉन्ट्रास्ट लिखा रहा होगा, आपको इसको 100% कर देना है। कॉन्ट्रास्ट को 100% कर देने के बाद आपको फिर हाईलाइट्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इसको भी 100% कर देना है। और फिर शेडोज़ को आपको -100 कर देना। इसके बाद आपको लेफ्ट का ऑप्शन दिखेगा नीचे, आपको इसको 14+ कर देना। 14, तो आप इसको 14। इतना करने के बाद आपको बस इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना। तो गाइस, हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है। अब हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद आपको करना क्या, आज से 16:9 का प्रोजेक्ट लेना है और आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया उसको फिर से वीडियो को लेना है। वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद वीडियो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा कलर फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। आप कलर फिल्टर के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ बेसिक का ऑप्शन पर क्लिक करना है। बेसिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए B38 का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको एडजस्टमेंट पर जाना है। एडजस्टमेंट पर जाने के बाद आपको कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको 100% कर देना है। कॉन्ट्रास्ट को 100% और इसके नीचे आपको मिलेगा लिफ्ट का एक ऑप्शन, लिफ्ट को आपको कर देना अराउंड 90 के आसपास भी रख सकते हो आप, 96 रख लेंगे उसको। इतना होने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको बेसिक इफेक्ट्स पे जाना है, आपको यहाँ से गॉशियन ब्लर ले लेना है। गॉशियन ब्लर लेने के बाद आपको इसको पूरा फुल स्क्रीन कर देना है, जब तक पूरी लाइन इसकी बॉर्डर टच नहीं हो रहा था। आपको ले लेना है इसको, आपको पूरी वीडियो पे अप्लाई कर देना है। तो ये होने के बाद अब आपको करना क्या है, इसका गॉशियन ब्लर पे आपको टच करने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप सेटिंग का ऑप्शन पे आपको इसका ब्लर स्ट्रेंथ 10 कर देना है। ब्लर स्ट्रेंथ 10 करने के बाद आप उस वीडियो एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यार, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो भी आपको इसी तरह मिलती रहेंगी। क्योंकि हमारे वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपको फिर से बैक जाना है, उसे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। 16:9 का आपको प्रोजेक्ट ले लेना है। लेने के बाद जो आप वीडियो ले लेनी है ना, यहाँ से जहाँ आपने पहले एक्सपोर्ट की थी, तो हमारी ओरिजिनल वीडियो ये रही। और इतना करने के बाद आपको यहाँ से लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो आपने वीडियो लेयर एक्सपोर्ट की थी, आपको उस पर वो वीडियो आपको ले लेनी है। इसको आपको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन कर देने के बाद आपको इसका एडजस्टमेंट के ऑप्शन पे जाना है। वहाँ पे आपको हू का ऑप्शन मिलेगा, नीचे जाइए, सबसे लास्ट में आपको हुई का ऑप्शन मिलेगा। इसको आपको रख देना है अराउंड 19 के आसपास रख लीजिएगा आप इसको, 9+19 रख लीजिएगा। इतना रखने के बाद
आपको उसको ओके कर देना है। इसके बाद आपको लेयर पे टच करना है। लेयर पे टच करने के बाद आपको नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे आपको यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। अभी आपको ये थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा, तो आपको करना क्या है, उसके बाद आपको इसकी थ्री डॉट पे दिखाई दे रहे होंगे आपको लेफ्ट साइड में, पे क्लिक करना है इसको और आपको डुप्लीकेट कर देना है। जब तक आपका ये स्काइप थोड़ा सा डार्क नहीं हो जाता तब तक आपको उसके डुप्लीकेट कर देना है। और देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है, ये हमारा स्काई ग्लू इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो बस आपको इतना ही करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।